हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, यूपी में इस बार के पौधारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है जन आंदोलन, बी है धरती की रक्षा, सी है जीवन रक्षा अभियान और डी है पर्यावरण रक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन। यूपी में इस बार के पौधारोपण अभियान को दिया गया जन आंदोलन का नाम। इस बार 117 से अधिक प्रजातियों के पौधे उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण अभियान के तहत इस बार पर्यावरण संरक्षण व शोभाकार पौधे लगाए जाएंगे। तो इस बार यूपी का जो पौधारोपण अभियान है उसे क्या नाम दिया गया है? जन आंदोलन। ये आपको याद रखना है। और इस बार पौधारोपण अभियान में 117 से अधिक प्रजातियों के पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। और कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर में बिना ड्राइवर पॉड टैक्सी चलाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है नोएडा, सी है लखनऊ और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिटी में फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी मेट्रोनो चलाई जाएगी। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाएगी। 5.5 किलोमीटर लंबा होगा रूट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी जाएगी मेट्रो कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बना है उसके लिए इसे चलाया जाएगा। और फिल्म सिटी से लेकर के नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है वहां से जो नोएडा एयरपोर्ट है वहां तक इस पॉड टैक्सी को चलाया जाएगा। और ये रूट कितना लंबा होगा? तो 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और इससे जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाएगी। 25 से घटाकर 6 स्टेशन रखने का फैसला ऐसा एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस मेट्रो की जरूरत को देखते हुए किया गया है। और पहले 25 स्टेशन इसके लिए रखे गए थे लेकिन उसे हटा करके 6 स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? मेट्रो की जरूरत को देखते हुए ऐसा किया गया है। 50 करोड़ रुपए के करीब है पॉड की प्रति किलोमीटर लागत। 4 से 6 लोग एक पॉड में एक साथ बैठ सकते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी अधिकतम रफ्तार। तो अगर पॉड की लागत देखी जाए इसके निर्माण की, तो प्रति किलोमीटर पॉड टैक्सी की लागत होगी 50 करोड़ रुपए और एक पॉड टैक्सी में 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये होती है पॉड टैक्सी जिसे सड़कों पर चलाया जाता है। अब इस पॉड टैक्सी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो पॉड टैक्सी होती है इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो मेट्रो की तुलना में इसमें एक तिहाई खर्चा होता है और इसमें चालक की भी जरूरत नहीं होती है। और ये जो पॉड टैक्सी होती है वो पूर्व निर्धारित स्थान पर रुकती है और वहीं पर इनके स्वचालित दरवाजे भी खुलते हैं। और ये जो पॉड टैक्सी होती है इनका वजन होता है 820 किलोग्राम और इसमें 500 किलोग्राम तक वजन एक साथ ले जाने की क्षमता होती है। इसे सक्रिय गलियों, मॉल, होटल, ऑफिस व हॉस्पिटल के गेट के सामने ट्रैक बनाकर चलाया जा सकता है। यह बैटरी से चलने वाली छोटी कार टैक्सी होती है जो एलिवेटेड रोड पर रबर के टायर के बिना ड्राइवर के चलती है। और ये कितनी सीटर होती है? तो ये 6 सीटर होती है। तो ये होती है पॉड टैक्सी, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार जंगल के बाहर तेंदुओं की गणना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है असम, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 साल बाद एक बार फिर तेंदुओं की गणना कराने जा रही है। पहली बार तेंदुओं की गिनती जंगल के बाहर नदियों के किनारे और आसपास के टापुओं पर भी होगी। वन विभाग प्रदेश में इस तरह के प्रकृत वासों को चिन्हित कर रहा है और इन्हें संरक्षित व सुरक्षित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर से तेंदुओं की गिनती कराने जा रही है और इस बार तेंदुओं की गिनती जंगल के बाहर भी कराई जाएगी, जैसे नदियों के किनारे हो गए
और आसपास के जो टापू हैं वहां पर भी तेंदुओं की गिनती कराई जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश करा रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कृषिगत उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, जौ, मसूर और आम और आंवला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। यानी कि ये जो कृषिगत उत्पादन हमने आपको बताए हैं, इसके उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और अगर कुल खाद्यान्न की बात की जाए कि कुल खाद्यान्न के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। और अगर कुल पशुधन भी आए तो कुल पशुधन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी कि कुल पशुधन की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख अगर मेले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? बटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है, गंगा महोत्सव ये वाराणसी में लगता है, खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है, और रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। और वैसे उत्तर प्रदेश में कई सारे मेले हैं और वो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो एनिमेशन आधारित ट्रिक पर आधारित है, जिसे आप एक बार देखेंगे और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक बार देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश के मेले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आप उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के मेले, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए शनिवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, ये किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है गोरखपुर और डी है मेरठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। पूर्वोत्तर रेलवे में लिपिक प्रियंका गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए शनिवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। रांची में चल रही अंतरराष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में शनिवार को महिला 20 किलोमीटर में प्रियंका कुमारी ने रिकॉर्ड बनाते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इज्जत नगर मंडल में कार्मिक विभाग में लिपिक प्रियंका मूल रूप से मेरठ जिले की है, और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है प्रियंका गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया है को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी है नितिन गडकरी, सी है निर्मला सीतारमण और डी है पीयूष गोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी द्वारा 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया गया है उसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर है जिसे डीजल से कन्वर्ट करके सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। और ये जो सीएनजी वाला ट्रैक्टर है इससे किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने किसको राज्य में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है हिमा दास, बी है पीवी सिंधु, सी है दुती चंद और डी है दीपा कर्मकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने एथलीट हिमा दास को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। और जो असम की कैबिनेट है उसने राज्य के विभिन्न विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के रूप में खिलाड़ियों को नियुक्त करके राज्य की एकीकृत खेल नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। और किस खिलाड़ी को ग्रुप ए और किस खिलाड़ी को ग्रुप बी के पद पर नियुक्त किया जाएगा तो उसके लिए भी प्रावधान है। ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी पदक विजेता होगा उसे वर्ग ए अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसा फैसला असम की गवर्नमेंट ने लिया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं हिमा दास, इमेज में देख सकते हैं, जिन्हें पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पर
असम की है तो असम के बारे में जानती हैं। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से परिवहन सब्सिडी के लिए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मैंडरिन, बी है हल्दी, सी है हींग और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मैंडरिन और हल्दी को ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से परिवहन सब्सिडी के लिए चयनित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली 50% परिवहन सब्सिडी के लिए दोनों वस्तुओं को पात्र फलों और सब्जियों की सूची में जोड़ा गया है। और पहले से ही जो रेलवे में जो सब्सिडी के लिए चयनित जो फल और सब्जियां हैं वो कौन कौन से हैं, तो आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, संतरा, किनौनी, चूना, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, जुनून का फल और नाशपाती। ये जो फल और सब्जियां हैं ये पहले से ही सब्सिडी के लिए सूचीबद्ध है और अब इस सूची में किसे जोड़ा गया है? मैंडरिन और हल्दी को भी शामिल कर लिया गया है। और ये योजना कौन सी है? ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल योजना के तहत इस तरह की सूची बनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर कोरिया, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के निर्माण के लिए $56 बिलियन की योजना की घोषणा की है। यह येलो रिवर पर यह एक 8.2 गीगावाट की परियोजना होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे बड़े अपतटीय फार्म के निर्माण की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समावेशी हरित विकास के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों में निवेश, बी है सीमाओं से परे समाज के लिए विज्ञान में समानता, सी है COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक और डी है शांति और विकास के लिए विज्ञान में लिंग समानता और अनुरूपता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक है। तो ये आपको याद रखना है। और डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत किस देश के प्रोब ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है यमन, सी है सऊदी अरब और डी है कतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत यूएई की होप प्रोब ने 8 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। होप कम से कम एक मंगल वर्ष अथवा 687 दिनों के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा करेगा। होप को 19 जुलाई 2020 को जापान के मिनमिताने के पास तनेगासिमा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत किसने, यूएई ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया है। और लाल ग्रह यहाँ पर जो आया है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो होप है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 19 जुलाई 2020 को जापान के मिनमिताने के पास तनेगासिमा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अरब ने किया है, तो अरब संयुक्त अरब अमीरात ने इसे किया है लॉन्च। तो
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये थे 14 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में भारतीय सेना के लिए एक विशेष ड्रोन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, IIT कानपुर। और कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है सुशील कुमार और साक्षी मलिक, बी है द ग्रेट खली और बबीता कुमारी, सी है महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दत्त, और डी है बजरंग पुनिया और संग्राम सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।